हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैमटेशिया स्टूडियो एट में वीडियो को एडिट कर सकते हैं। बेसिक्स हैं ये थोड़े से आपके लिए। इससे पहले वीडियो में हमने ये सीखा था कि कैसे हम अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कैमटेशिया स्टूडियो एट को ओपन कर लेना है। मेरा अभी ट्रायल वर्जन है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। बस ये हमारा कैमटेशिया स्टूडियो एट ओपन हो गया है। अब सबसे पहले आपने करना क्या है कि अपनी जो फाइल आपने एडिट करनी है उसको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ पे लाना है और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके बाद ये आपका जो है यहाँ पे शो हो रहा है सारा कुछ, लेयर्स जैसे आप कह लें इनको, जैसे फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं वैसे ही है। यहाँ से आपने इसको यूट्यूब एंड स्क्रीन कास्ट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। यहाँ से आपने इसको ऐसे कर लेना है और इसको स्क्रीन के ऊपर फिट कर लेना है। जब आप इसको प्रोड्यूस करते हैं फाइल को, तो तब अगर आपको ये नहीं फिट हुई होती तो रिज़ल्ट बहुत ही बुरा आता है। यहाँ से आपने इसको ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से छोटा कर लेना है तकरीबन इतना जो आपको नज़र आ जाए। उसके बाद अगर आप कॉल आउट्स क्या हैं, कॉल आउट्स की जानते चलिए। हेलो फ्रेंड, आज के नए ट्यूटोरियल में आपका खुश आमदी। मैं बस आपको समझा रहा हूँ अभी, खुद भी आप इसको कुछ भी आपने किसी चीज़ को शो करना है किसी को, तो आप कॉल आउट डाल सकते हैं। जैसे अब सर्च करना है, ये देखते हैं ऐसे डाउनलोड। आपने वीडियो देखी होंगी उनके, ऐसे ही लोग करते हैं। ये आपने कर लिया इसको यहाँ पे। उसके बाद आपने अगर कर्सर इफेक्ट डालना है, कर्सर इफेक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं, स्पॉटलाइट जैसे कि ये, और मैग्नीफाई आपने इसको हाईलाइट के ऊपर कर देना है, ये मुझे बेस्ट लगता है। उसके बाद ये देखें, ये सबसे पहला ये माउस के ऊपर हाईलाइटर आ गया। उसके बाद अगर आपने कोई म्यूज़िक ऐड करना है अपनी वीडियो के साथ, कोई छोटा मोटा सा जो बैकग्राउंड पे आपने देखा है कि जब कोई ट्यूटोरियल बनाता है तो साथ में उसके एक वीडियो भी, उसकी अपनी साउंड भी होती है और साथ ही एक म्यूज़िक भी चल रहा होता है, जैसे मैं इसको ऐड करूँगा अभी। इसको आपने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, इसको यहाँ से प्लस कर लें जितनी लेयर्स आपने बनानी है और इसको इसके इक्वल कर लें जस्ट लाइक दैट। इसको इसका आप साउंड जो है वो भी लो कर सकते हैं। ये एडिट ऑडियो का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और वॉल्यूम डाउन, और फिर देखें एक बहुत अच्छा इफेक्ट बन जाता है। ये अभी मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं, ये देखें। और अगर जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है वीडियो में, आपने उसको सबमिट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? इसमें से जस्ट ये जैसे हैं, इसको यहाँ से सबमिट का ऑप्शन आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर इसके ऊपर आके इतना इतना हिस्सा आपने अगर डिलीट कर देना है, तो ये देखिए ऐसे इसको दोबारा मिला देना है और ये आपका काम ठीक हो जाएगा। साइट है कैमटेशिया स्टूडियो की, ओपन कर लेना। देखिए जरा कैसे प्रोफेशनली एडिटिंग आप वीडियो के कैमटेशिया स्टूडियो के साथ बिगनिंग इसके साथ स्टार्ट करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका लेवल अप होगा, वैसे ही आप एडोब प्रीमियर प्रो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको सेव करना है, यानी कि प्रोड्यूस एंड शेयर करना, उसके यहाँ पर क्लिक करके MP4 विद वीडियो प्लेयर,
MP फॉरवर्ड वीडियो प्लेयर अप टू 720 पिक्सल्स नेक्स्ट करके आपने इसको जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे आपने सेव कर लेना। ठीक है, आज का ट्यूटोरियल हमारा ख़त्म हुआ, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, बाय।